हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इसमें बनाने जा रही हूँ समर्स के लिए आउटफिट, और ये मैं बना रही हूँ ये पुरानी साड़ी से। ये मेरे पास ये पुरानी साड़ी थी मेरी भाभी की, तो मैंने सोचा चलो ये वाली जो साड़ी है काफी टाइम से मैं सोच रही थी कुछ बनाने के लिए, तो फाइनली मुझे आउटफिट समझ में आ गया कि इसमें क्या बनाना है। उसके लिए मैंने ये साड़ी ली है और ये अस्तर है मेरे पास। और आपको जो मैं आउटफिट बना रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में दे दूंगी, तो आप देख लेना। बस ये साड़ी थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस वाली साड़ी में बना लिया जाए। और मेरे पास ये फैब्रिक अस्तर भी था और ये साड़ी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से बना लिया जाए ज्यादा खर्चा ना करते हुए। तो अभी हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी जल्दी नॉर्मली आपको बता दूंगी जो मेन चीजें, बाकी बहुत ही सिंपल है आउटफिट और गर्मियों के हिसाब से काफी अच्छा है, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। और मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये मेरे पास पूरी तरह से ये साड़ी है, देख सकते हैं। इसमें जो लेस थी ना वो मैंने निकाल दी है, इसके अंदर लेस लगी थी वो मैंने अभी निकाल दी है। इसको मैंने पहले सोचा पहले आउटफिट बनाने के बाद फिर इसको वॉश करेंगे बाद में। और ये है, और ये क्रेप का मैंने अस्तर लिया है। ये जो 60 का पना था तो ये मेरे पास 3 मीटर था, तो मैंने पूरा 3 मीटर अभी मेरे पास है, अभी देखते हैं कितना यूज होगा। तो इसका प्लाजो बनाना है सिंपल, और शॉर्ट कुर्ती है जैसा कि आपने देखा है, तो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं अभी प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ उसके नीचे की बॉटम की। तो इसके लिए मैंने जो अस्तर था उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया, क्योंकि हम इसमें सिंपल प्लाजो बना रहे हैं। तो उसके वीडियो हैं ऑलरेडी डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है। तो मैंने जो ये लिया है फैब्रिक को, मैंने अस्तर को 4 फोल्ड में फोल्ड रखा है। ये हमारा खुला भाग है, वो हमारा बंद वाला हिस्सा है। तो यहां से मैंने इस तरह से लिया हुआ है, और ये मैं सिंपल घेर वाला प्लाजो बना रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ से मैंने हिप साइज लिया, जो भी आपकी हिप साइज हो उसका 4th पार्ट करना है आपको, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ से आपको 1 इंच बेल्ट की लेंथ माइनस करनी है, और फुल लेंथ लेनी है उसमें। अस्तर को जितना इतना छोटा अस्तर रखना चाहते हो उसका लंबाई लेनी है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना फोल्डिंग के लिए। तो मैंने पूरी लंबाई ले ली है अस्तर की, हमारे जो प्लाजो की लेंथ रहेगी वो 4 इंच 40 रहेगी, रेडी हमारी पूरी 40 रहेगी। 1 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो चौड़ाई है ना, ये जो क्रॉच एरिया है, जो भी आपका हिप साइज हो उसमें, आपको अगर आपको लंबा रखना है क्रॉच एरिया थोड़ा सा, तो आप बढ़ा सकते हैं 2 इंच तक। मैंने यहाँ पे इसको ज्यादा लंबा नहीं रखा है, हमारा हिप 36 आ रहा था तो मैंने उसका 4th पार्ट किया तो 9 आ रहा था, 9 में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा किया, तो 10 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई ली है क्रॉच एरिया की। और यहाँ से क्रॉच एरिया की जहां से हमने लंबाई ली ना, यहाँ से हमने हिप का निशान लगाया है, तो जो भी आपका हिप पार्ट था उसको आपको चौथा करना है, उसमें 2 इंच प्लस कर देने हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नीचे हम जितना घेर लेंगे उसको भी हम यहाँ पे भी इतना ही लेंगे जितना मैंने इसका घेर लिया है ना। इसका जो घेर है यहाँ पे मैंने चौड़ाई में 15 इंच लिया है, यहाँ का ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 15 इंच आ रहा है, और मैंने नीचे भी 15 लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंपल एक लाइन खींच दी है, और उधर से मैं बाद में इसको अलग कर दूंगी, यहाँ से साइड से कट कर दूंगी, क्योंकि मैं साइड में पॉकेट लगाऊंगी इसलिए मैं यहाँ से साइड में कट कर दूंगी उसको भी। तो हमने सिंपल इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 15 इंच रखी है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है डिटेल में तो आपको वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। और इसको इसी तरीके से हम सिंपल इसकी कटिंग करेंगे, इसके बाद इसको रख के हम मेन फेब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसका जो टॉप है पेम्पलम कुर्ती जैसी है, इसकी शॉर्ट कुर्ती है, तो उसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर का टॉप है उसको मैंने फोल्ड करके रखा है, अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप पार्ट की जो नॉर्मल लेंथ है वो मैंने 14 इंच रखी है। इसके बाद यहाँ से हमारा घेर अटैच होगा, जो थोड़े से गैदर्स देके उसमें जैसा दिख रहा है फोटो में उस तरह से नीचे हम गैदर्स देंगे। तो पूरी जो हमारी कुर्ती की लंबाई रहेगी, जो शॉर्ट कुर्ती है उसकी मैं लंबाई रख रही हूँ करीब 23 इंच के आसपास रखूंगी। आप अपने हिसाब से लेंथ कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं 23 इंच के आसपास रखूंगी। और बाकी फिर मैं देखूंगी, अगर लंबी ज्यादा लगेगी तो मैं थोड़ी शॉर्ट भी कर सकती हूँ, बाकी मैं 23 इंच तक रखूंगी। तो मैंने उसमें से टॉप पार्ट की जो लेंथ है यहाँ तक मैंने अभी इसमें 14 इंच माइनस, जो 14 इंच का मैंने टॉप पार्ट कट किया है अभी, इसके बाद जो बचेगा लंबाई हमारी उसके लिए हम नीचे घेर अटैच करेंगे, वो हम साड़ी वाले फेब्रिक में करेंगे। और सिर्फ टॉप पार्ट में हम अस्तर लगाएंगे, और नीचे जो यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे ना तो उसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ हमने ऊपर जो बॉडी में उसमें अस्तर लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने शोल्डर लिया है, ये 6 इंच लिया है, और यहाँ से इसकी आर्म होल की लंबाई लिए वो भी मैंने, यहाँ से मैंने आर्मोल की जो लंबाई ली है वो भी मैंने 6 इंच ली है। और इसके बाद ये अब मैं फ्रंट का जो नेक है फैला हुआ ज्यादा रख रही हूँ, बट डीप थोड़ा सा कम रख रही हूँ, तो 5.5 मैंने लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। इसमें हम स्ट्रिप अलग से लगाएंगे, तो मैंने अभी 5, 5.5 के आसपास रखा हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच आ रही है, और शोल्डर मैंने पूरे 6 इंच लिए, तो इसकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने 4 इंच रखी है। आगे का और बैक का गला दोनों हम सेम ही रख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो शोल्डर बचे हुए हैं वो
डेढ़ से थोड़े से ज्यादा बचे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इतनी चौड़ाई बची है शोल्डर की। तो इसको मैं पहले ना यहां से मैं इसको कट कर दूंगी, बाद में मैं इसमें अलग से स्ट्रिप लगाऊंगी क्योंकि उसमें स्ट्रिप वाला है। तो इसकी स्ट्रिप आप पतली अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मैं ज्यादा पतली नहीं बना रही क्योंकि मैं ज्यादा पतली स्ट्रिप वाला नहीं पहनती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम डेढ़ इंच के आसपास तो कम से कम यहाँ पे स्ट्रिप रहे, तो वो मैं अलग से अटैच करूंगी। और इसको मैं कट करूंगी वो यहाँ पे 3.5 इंच पे कट कर लूंगी, तो 3.5 इंच की हमारी अलग से पट्टी हो जाएगी। तो इस वाले को क्या करना है आपको, यहाँ तक आपको इसको, इस वाले निशान को यहाँ तक इस तरह से मिला देना है, और इसके बाद सिंपली इसकी कटिंग कर देंगे हम, है ना। तो बाद में स्ट्रिप अलग से लगा देंगे, और बाकी आपको आर्मोल सिंपली जैसे हम टॉप पार्ट बनाते हैं सिंपल इजी भी उसी तरीके से ही बनाना है। बस यहाँ से आपको कट कर लेना है, यहाँ से इतना 3.5 इंच की हम स्ट्रिप लगाएंगे ना, तो 3.5 इंच तक यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से, जिस तरह से ये गला बना हुआ है आर्मोल, सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए सिंपल हमने इसको कट कर लिया, यहाँ पे हम 3.5 इंच की पट्टी लगाएंगे जो 1.5 इंच चौड़ी रहेगी, और इसकी जो लंबाई थी वो 14 इंच थी। इसके बाद यहाँ से हमने 3.5 इंच की लंबाई भी माइनस कर दी है, और इसके बाद यहाँ से सिंपली आपको चेस्ट लेनी है, चेस्ट का 4th पार्ट करके 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे दी है, और यहाँ पे भी सिर्फ सेम इसी तरीके से जो भी आपकी कमर हो 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे देनी है 4th पार्ट करते हुए, और इसी तरीके से लेनी है। इसमें हम टक्स कुछ भी नहीं भरेंगे, सिंपली अटैच करेंगे। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है, अब इसको मैं मेन फैब्रिक पे रख के भी इसकी कटिंग कर लूंगी, और सिंपली आपको किस तरह से मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसका गला यहाँ से हम पलट देंगे, बाद में हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे, और आर्म होल को भी हम मेन फैब्रिक में ही पलटेंगे। इसकी जो स्ट्रिप की आपको लंबाई लेनी रहेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो बाकी आपको सिंपल इसी तरीके से कटिंग करनी है, तब मैं इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करके फिर हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो ये देखिए टॉप पार्ट की मैंने इसमें टॉप पार्ट की और जो हमारा नीचे का प्लाजो था उसकी भी कटिंग कर ली साड़ी पे। तो साड़ी क्या मेरी पुरानी वाली साड़ी थी ये, तो कहीं कहीं पे साड़ी खराब भी हो रही थी, और इसमें ना ये इधर साइड से आप देख सकते हैं प्लेन फैब्रिक भी था, तो अब काफी मेरे पास थोड़ी सी साड़ी बची हुई है, तो देखते इसमें निकल पाएगा नीचे का घेर। वैसे निकल जाएगा, कम घेर आएगा मेरे ख्याल से, तो सही आ जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एक मेरे पास इतना बड़ा फैब्रिक पड़ा हुआ है, ये देखिए इतना आई थिंक 1 मीटर के आसपास होगा ये वाला फैब्रिक। तो इसमें से भी बीच में ही देखिए आप देख सकते हैं कितनी बेकार है, तो इसको भी मुझे हटा के इसमें अब नीचे की लेयर जो है वो मैं कट कर लेती हूँ पहले, इसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितने इंच ली है। एक ये वाला पल्लू बचा और ये एक ये बचा। तो ये देखिए ये जो मेरे पास साड़ी का फैब्रिक था, ये मेरे पास कम से कम 1.5 मीटर के आसपास ये फैब्रिक है, इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है, जैसे कि ये लंबाई में था तो मैंने इसको इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। तो इसमें हमें 2 लेयर मिलेंगी, एक हम बैक में लगाएंगे और एक हम फ्रंट में लगाएंगे गैदर्स भर के। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है, और यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा टॉप पार्ट है, यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है टॉप पार्ट, और यहाँ से आपको 14 इंच जितना भी आपके टॉप पार्ट की लेंथ हो वो माइनस करनी है, इसके बाद जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ हो वो लेनी है। तो मैं फिटिंग की 23 इंच रखूंगी, तो मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए, नीचे फोल्डिंग के लिए ऊपर दबने में जाएगा, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अगर आपको बाद में बड़ा लगे तो आप इसको बाद में इसकी छटिंग कर दें, तो मैंने इसको अभी एक्स्ट्रा ही लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरे में मार्क कर लिया है। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूंगी, उधर साइड से नहीं कट करेंगे हम। ये हमारा खुला वाला हिस्सा है, वहां से हम बंद नहीं करेंगे। तो 2 लेयर हमें मिलेंगी, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो ये 1.5 मीटर की हमारे पास लेयर हो जाएंगी। तो अब मैं इसकी सिंपल कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम इसको स्टिच करते हैं। देखिए ये जो हमारा प्लाजो था और मेन फैब्रिक था और जो अस्तर था उसको मैंने सिंपली अटैच कर लिया है प्लाजो के लिए, और इसमें हमने दोनों साइड पॉकेट लगाई हुई है, और इसके लिए जो बैक वाला पार्ट था उसको भी हमने सिंपल रेडी कर लिया है, अस्तर लगा के क्रॉचेरिया दोनों के सिल लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल रखना है इसको, साइड से दोनों साइड से यहाँ पे स्टिच करना है, और बेल्ट लगानी है, और नीचे मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूंगी, अस्तर को भी मैंने फोल्ड कर लिया, इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर लूंगी, और हमारा जो प्लाजो है वो बनके रेडी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इस तरह से रखना है। इसका जो डिटेल का वीडियो है आपको मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं वीडियो, तो मैंने इसलिए ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया। तो इस तरह सब रख के इसको साइड से स्टिच करके बेल्ट लगा के और नीचे फोल्ड करके बेल्ट पे मैं ऊपर ना इलास्टिक लगाऊंगी, तो इसके बाद फिर मैं आपको पूरा इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। और इसके लिए क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है ये वाला, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया। इस तरह की सिंपल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हैं, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना। देखिए ये जो हमारा टॉप पार्ट था उसको भी हमने अस्तर को और इसको मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया, यहाँ से हमने इसमें अस्तर से ही सिंपली इसको रखते हुए पलट लिया, यहाँ पे फ्रेश सिलाई भी लगा दी, आप देख सकते हैं सिंपल मैंने इसको पलट लिया। ये हमारा अस्तर जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसका है, और इसके बाद जो नीचे का हमने जो काटा था रफल, ये देखिए इसकी जो रफल थी उसमें भी मैंने सिंपली गैदर्स दे दिए हैं, ये देखिए
इसमें भी मैंने सिंपल गैदर दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सिंपली अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें नीचे अस्तर नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे अस्तर लगाया, यहाँ पे मैंने अस्तर नहीं लगाया है। तो ये देखिए इसको इस तरह से सिंपली इसमें अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका ये कुर्ती है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। बाद में आपको फिटिंग लगाने के बाद यहाँ से नीचे से फोल्ड कर देना, साइड में फिटिंग लग जाएगी। और ऊपर हमारे यहाँ पे शोल्डर पे स्ट्रिप लगेगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी ना ये दो स्ट्रिप कट करके रखी हुई है यहाँ पे लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, इधर साइड इतना जितना मैंने ये निशान लगाया इतना इतना मैं दबाऊंगी दोनों साइड से। तो एक ये रही और इसके साथ में, तो ये देखिए ये दोनों स्ट्रिप कुछ इस तरह से लग जाएंगे जब यहाँ पे लगेंगे। और उसके बाद आपको जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी यहाँ से अटैच कर देना ऊपर साइड से, वहां से ये दोनों उतना उतना जितना मैंने निशान लगाया चौक में, चौक पे मैंने निशान लगाया जितना जितना मैं इसमें स्ट्रिप पे इतना इतना ही मैं फैब्रिक दबाऊंगी। इसकी जो लंबाई है स्ट्रिप की, वो इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो मैंने 8.5 इंच रखी है। यहाँ से थोड़ा सा दबने में जाएगा और यहाँ से भी दबने में चला जाएगा, तो हमारा 7 इंच के आसपास रह जाएगा, क्योंकि हमने 3.5 इंच पे ही इसको कट किया था। ऊपर का जो हमने शोल्डर थे वो 3.5 इंच पे कट किए थे, इसलिए मैंने इसकी जो पट्टी की लंबाई है पूरी 8.5 इंच ली है। तो अगर आपने जितना भी कट किया हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रिप की लंबाई लेनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो आप कम ज्यादा अपने आप चाहें तो डोरी जैसी भी स्ट्रिप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मैंने इसको हल्का सा चौड़ा रखा हुआ है। इसको ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच पे मैंने रखी हुई है, तो इसलिए मैंने ये इतनी चौड़ी रखी है। आप चाहें तो अगर आप पतला पहनते हैं तो आप थोड़ी सी पतली स्ट्रिप भी रख सकते हैं, बट मैंने ज्यादा पतली नहीं रखी है। तो इस तरह से हमारा जो टॉप है पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी इसको मैं स्टिच कर लूंगी यहाँ पे और साइड से फिटिंग लगाएंगे और उसको भी रेडी कर देंगे, फिर आपको मैं पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक जो टॉप पर था ना उसमें रफल लगा भी ली थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें जो रफल है लगने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है, अच्छी दिख रही है अभी। और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप लग जाएगी दोनों साइड से और हमारा जो टॉप पर है बनके रेडी हो जाएगा। मैं आपको पूरा फाइनल लुक ही दिखाऊंगी आउटफिट का। तो अब मैं इसको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको आउटफिट का, इसके बाद आपको मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारे आउटफिट का पूरा फाइनल लुक। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप लोग मुझे बताना कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा रहा। जो लोग स्लीवलेस नहीं पहनते ये वाला आउटफिट तो वो स्लीव भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मली एक डिज़ाइन रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इसको आप साड़ी से बना सकते हैं। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।